दिन की शुरुआत से ऑफिस के नाइट शिफ्ट तक जो दिल और जुबान के सबसे करीब होती है वो है कॉफी। चाहे दोस्तों के साथ पार्टी हो या ऑफिस की कोई सीरियस मीटिंग, फिर चाहे सिनेमा हॉल में इंटरमिशन हुआ हो या फिर घर पर फुर्सत के पल, आपकी और हमारी हर एक्टिविटी में हमारा जो साथ निभाती है वो है कॉफी। बीच से आपके कप तक का कॉफी का ये सफर बहुत दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूँ किरण, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। आज हम फिर से पेश हैं आपसे और हमसे जुड़े हुए एक नए टॉपिक के साथ। अगर एक कप कॉफी मिल जाती है तो दिन बन जाता है, ये तो हम सबकी चाह होती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सबके लिए, तो बोलिए क्या आप बता सकते हैं कि कॉफी की खेती सबसे पहले किस जगह हुई थी, या फिर क्या आप ये बता सकते हैं कि किस देश के लोगों ने सबसे पहले कॉफी पीना स्टार्ट किया था? ये सब तो नहीं पता, बस पीना आता है। खैर, इस सवाल जवाब को यहीं रोकते हैं। अगर आपको बताते चले तो विदेश ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी कॉफी को बड़े प्रेम के साथ पीना पसंद करते हैं। कोई सिंपल, कोई कोल्ड, तो कोई दूसरी तरह के साथ कॉफी पीना पसंद करते हैं। और भारत में तो दक्षिण भारत को कॉफी का घर भी कहा जाता है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। इसीलिए आज हम आपको कॉफी के दिलचस्प इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कॉफी का दिलचस्प इतिहास। कॉफी के इतिहास की बात की जाए तो लगभग सभी लोग अलग अलग तरह के तर्क देते हैं। कई लोगों का मानना है कि कॉफी को अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया और अमेरिका जैसे देशों में प्राचीन काल से ही लोग पसंद करते थे। एक तर्क के मुताबिक यूरोप में 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच कॉफी बहुत मशहूर थी। वहीं एक अन्य तर्क के मुताबिक कॉफी की सबसे पहली शुरुआत 850 ईस्वी के आसपास इथियोपिया देश में हुई थी। मुख्य रूप से लाल सागर के दक्षिण छोर पर मौजूद इथियोपिया को कॉफी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। अगर हम आपसे कॉफी के इतिहास के बारे में बताएं तो कॉफी और एक परिंदे से संबंधित एक कहानी भी बेहद फेमस है। दरअसल कहा जाता है कि इथियोपिया का एक व्यक्ति किसी जंगल में सफर कर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ परिंदे एक पेड़ पर बैठकर फल की फलियां खा रहे हैं। इस दौरान उस इंसान ने देखा कि फलियां खाने के बाद परिंदों में अलग अलग बदलाव हो रहा है। जब उस व्यक्ति ने कॉफी की फलियों को तोड़कर खुद टेस्ट किया तो उसे ये चीज बहुत अच्छी लगी और खाने से उसको काफी ऊर्जा महसूस हुई। फिर इसके बाद से इसे कॉफी के रूप में जाना जाने लगा। कॉफी को लेकर एक और दिलचस्प इतिहास ये भी है कि इसे पहले लोग कहवा के नाम से जानते थे। शुरुआत में इसकी खेती यमन में होती थी और यमन के लोगों ने ही अरबी में इसका नाम कहवा रख दिया, जिसे कॉफी और कैफे जैसे शब्द बने हैं। अब अगर भारत में कॉफी कैसे आई और इस्तेमाल होने लगी ये सवाल है, तो हम आपको बताते चलें कि भारत में विदेशी लोगों का आना जाना 16वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। लेकिन भारत में कॉफी को 17वीं और 18वीं शताब्दी में पहचान मिली। फिर समय के साथ धीरे धीरे कुछ सालों बाद ये मालूम चला कि दक्षिण भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी आते आते दक्षिण भारत से लेकर समूचे भारत में कॉफी बहुत प्रसिद्ध हो गई। अगर हम एक नए अनुमान की माने तो कॉफी का उत्पादन पूरी दुनिया के मुकाबले लगभग 7 से 8% अकेले दक्षिण भारत में ही होता है। क्या आपको पता है, 1 किलो कॉफी को प्राप्त करने के लिए एक हाथी को लगभग 33 किलो कॉफी के कच्चे फल खिलाए जाते हैं। फिर हाथी की लीद से बीज निकालने का काम हाथियों के प्रशिक्षित ट्रेनर करते हैं। बीज निकालने के बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और पीसकर पाउडर बनाया जाता है, तब कहीं जाकर कॉफी हमारे पास पहुंचती है और फिर हम उसे बनाकर पीते हैं। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों को ये बात पता भी रही होगी। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।